नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम। वन्य जीव प्रेमी पर्यटकों और लोगों को उस वक्त सदमा लगा जब सुपर मॉम और पेच की रानी कही जाने वाली पेच की वाग्र प्रकल्प की राजकुमारी यानी कॉलर वाली बागिन की मौत की खबर उनको लगी। बागिन राजकुमारी 17 वर्ष की थी। बागिन का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 29 शावकों को जन्म देने वाली कीर्तिमान राजकुमारी के ही नाम था। जानकारी के अनुसार पेज प्रबंधन एवं उपस्थित डॉक्टरों द्वारा राजकुमारी को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। कई कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर राजकुमारी यानी कॉलर वाली बागिन को बचा नहीं सके और बागिन ने दम तोड़ दिया। पेज व्याघ्र प्रकल्प की 15 राजकुमारी यानी कॉलर वाली बागिन सुपर मॉम और पेज की रानी कही जाती थी। बता दें कि 29 शावकों को जन्म देने का कीर्तिमान राजकुमारी ने रचा था। जनवरी 2019 में इस बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया था। 17 वर्ष तक यह बाघिन ने जंगल में आकर्षण का केंद्र बनी रही। इससे पहले लिख सेवन और चुरही बाघिन भी कान्हा प्रकल्प और राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मछली बाघिन सबसे ज्यादा समय तक जीवित रही। राजकुमारी बाघिन ने सर्वाधिक शावकों को जन्म देकर कीर्तिमान भी रचा है। राजकुमारी बाघिन को उसके रेडियो कॉलर के कारण कॉलर वाली बाघिन नाम भी मिला था। इसी तरह सुपर मॉम, पेंच की रानी, माता राम आदि नाम से भी बाघिन को लोग जानते थे। कॉलर वाली बाघिन का जन्म 2005 में हुआ था। 2008 में पहली बार 3 शावकों को जन्म दिया था। मौसम के कारण उसके शावक ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। इन शावकों की 24 दिन में ही मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि यह बाघिन शावकों को जन्म देने के लिए गुफाओं का चयन करती थी। पेज प्रकल्प में कॉरल लगी राजकुमारी बाघिन पर डेविड एटेम्बो ने स्पाई इन द जंगल डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है जो विश्व प्रसिद्ध है। 2008 से 2019 के बीच कॉलर वाली बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया, उसमें से 25 जिंदा हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम।